सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। मेरा भाई, आज आप लोग बात करने वाले ना उन दो कैरेक्टर्स के बारे में जिनके फाइट के किस्से ना यार न्यू वर्ल्ड तक सुनाए जाते थे। मैं बात करने वाला हूँ आज शैंक्स वर्सेस हॉकाई के फाइट के बारे में। आखिर इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था? आखिर इन दोनों का फाइट हमेशा ड्रॉ ही क्यों निकलता था? आखिर इन दोनों में बेटर स्वॉर्ड्समैन कौन था? ये सब चीज जो है आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लो कि ये एक थ्योरी वीडियो है। तो थ्योरी वीडियो बनाना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। कहीं पर भी ऐसा कोई कंफर्म नहीं हुआ कि इन दोनों के फाइट में हॉकाई जीता था या फिर शैंक्स जीता था। सो इस बारे में आज हम लोग जानेंगे मेरे थ्योरी के हिसाब से। तो आई होप इस थ्योरी को तुम लोग इंजॉय करोगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हॉकाई मिहॉक के बारे में, तो हॉकाई मिहॉक के पास अभी के टाइम पे करंट टाइटल है वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन का, और इसे अभी तक कोई बंदा छीन नहीं पाया। प्लस इसका जो ब्लैक ब्लेड है योरू, ये वर्ल्ड के टॉप सुप्रीम ब्लेड्स में से गिना जाता है। इसके अलावा अगर कोई और दूसरा स्वॉर्ड है जो हमें दिखाया गया जो कि परमानेंटली ब्लैक ब्लेड कोटेड था, तो वो है अपना सुसोई, जिसे रियोमा यूज करता था। रियोमा अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन में से एक गिना जाता था, और उसके टाइम पे उसे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। वहीं अगर मैं बात करूं हॉकाई की, तो हॉकाई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शायद अभी के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, या फिर उसके लेवल के कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। बट स्वॉर्ड्समैनशिप के मामले में मेरे भाई हॉकाई ही टॉप पे आएगा। मेरे भाई एक चीज जान लो, स्वॉर्ड यूज करना और स्वॉर्ड्समैनशिप, ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगर तुम वहां पे देखो वानो आर्क के स्टार्टिंग में, अपना जो लूफी था भाई, वो भी स्वॉर्ड चला रहा था, कितेत्सु स्वॉर्ड वो हाथ में पकड़ा था, पर उसको चलाना नहीं आता था। उसको हम लोग स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं कह सकते यार, चलाना आना चाहिए, तब जाकर के स्वॉर्ड्समैनशिप आता है। मेरा भाई वही अगर मैं बात करूं शैंक्स के बारे में, तो शैंक्स वन पीस के वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। काइडो, लेलिन, शैंक्स, ये सबका पावर लेवल यार लगभग सेम है। ब्लैक बियर्ड का अभी तक हमें नहीं पता, गार्प का फुल पोटेंशियल अभी तक हमें नहीं पता। गार्प अपने प्राइम टाइम में रॉजर का राइवल हुआ करता था, ये बस हमें पता है, और अभी बूढ़ा होने के बाद वो कितना स्ट्रांग है वो चीज हमें नहीं पता। मेरे हिसाब से अगर हम लोग स्वॉर्ड्समैनशिप के मामले में जाए, तो वहां पर यार हॉकाई जीत जाएगा शैंक से। लेकिन वहीं हम लोग जाए पावर के मामले में, तो हो सकता है कि शैंक्स जीत जाए। जो भी वन पीस के कैरेक्टर्स होते हैं यार, वो लोग खासकर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, वो लोग यार कॉन्कर हाकी कोटिंग करके ही लड़ते हैं। काइडो को अगर तुमको डैमेज करना है, तो तुमको कॉन्कर हाकी कोटिंग आना चाहिए। लिलिन को अगर तुमको डैमेज करना है, तो तुम्हारे पास होनी चाहिए एडवांस कॉन्कर हाकी। तो शैंक्स के पास भी तो है कॉन्कर हाकी, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हॉकाई उससे फाइट करता था अपने टाइम पे, बराबर लेवल का फाइट करता था, तो ऑब्वियस सी बात है यार हॉकाई के पास भी होगा। वही सबसे बड़ा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है जब रॉजर और वाइट बियर्ड का क्लैश हुआ था, वहां पर यार कॉन्कर हॉकी कोटिंग हुई थी। उस फाइट को देख के अपना ओडेन भी हैरान था, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है यार वन पीस के वर्ल्ड का। यहाँ पर मेरे भाई मैं दोबारा से आना चाहूंगा हॉकाई के ऊपर। हॉकाई का स्वॉर्ड जो कि ब्लैक ब्लेड है पूरी तरह से परमानेंटली योरू, तुम उसी को देखो भाई। शैंक्स भी उसके लेवल का स्वॉर्ड्समैन था, इसमें कोई शक नहीं है। शैंक्स के पास क्या ब्लैक ब्लेड है? उसका जो ग्रिफोन है वो पूरी तरह से परमानेंटली ब्लैक ब्लेड है? नहीं है। अच्छा चलो, रॉजर और वाइट ब्लेड के पास आते हैं। ये तो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर यार, ये इस यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक माने जाते हैं। इन दोनों का स्वॉर्ड भाई अभी तक परमानेंटली ब्लैक ब्लेड नहीं है, कोटेड नहीं है। योरू को देखो, वो परमानेंटली ब्लैक ब्लेड है। वहीं मेरे भाई अगर हम लोग बात करें रियोमा की, तो रियोमा का जो सुसोई है वो भी परमानेंटली ब्लैक ब्लेड था। तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो कि भाई ब्लैक ब्लेड बनाना आसान नहीं होता, उसका कोई शायद और तरीका हो सकता है। हो सकता है कि हमें फ्यूचर में जानने को मिल जाए कि आखिर ब्लैक ब्लेड बनते कैसे हैं, और ये चीज की खोज सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो कि एक वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन हो। इसी वजह से रियोमा के पास भी ब्लैक ब्लेड था, और हॉकाई के पास भी अभी के टाइम पे ब्लैक ब्लेड है, और फ्यूचर में जोरो के पास भी कोई ना कोई स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड होगा जो कि परमानेंटली होगा हॉकाई और रियोमा की तरह। एट द एंड कंक्लूजन यही निकलता है मेरे हिसाब से कि जो हॉकाई है वो स्वॉर्ड्समैनशिप के मामले में शैंक्स से बेटर है, और स्ट्रॉन्ग के मामले में, पावर के मामले में शैंक्स थोड़ा सा ऊपर होगा हॉकाई से, क्योंकि अभी तक हमने हॉकाई को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ लड़ते हुए नहीं देखा है। यहाँ पर बहुत लोग आकर के मुझे एक चीज बोल सकते हैं कि भाई मैंने तेरा टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर वाला वीडियो देखा, वहां पर तूने हॉकाई को शैंक्स से नीचे रखा था, आखिर क्यों रखा था? मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, यहाँ पे दो रीजंस निकल के आते हैं। पहला, हॉकाई एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड है, वो एक योंको नहीं है, और वो क्यों योंको नहीं है वो भी मैं तुमको बताऊंगा, पहले रुक जाओ। और अपना जो शैंक्स है,
वो एक यॉन्ग है। वही दूसरी चीज उसके फीट ज्यादा है हॉकाई से, क्योंकि यार उसने व्हाइट बियर्ड के साथ जाकर के भी क्लैश किया मरीन फोर्ड बीरो का, प्लस उसने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन के साथ फाइट भी किया जो कि हॉकाई मिहॉक है। भले ही उसके पास ब्लैक ब्लेड नहीं है, मैं उस लिस्ट में बना रहा था स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन या फिर ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन के बारे में। मैंने बोला था कि हॉकाई क्यों एक यॉन्ग को नहीं है, वो मैं तुमको बताता हूँ। तुम लोग अच्छे से जानते हो हॉकाई का कोई क्रू नहीं है और शैंक्स का क्रू है, और योंको का मतलब इंग्लिश में होता है एम्परर, और वहां पर न्यू वर्ल्ड में खासकर चार एम्परर्स का राज चलता है। और हॉकाई भाई अपना मस्त बंदा, उसको टेंशन नहीं चाहिए, उसको क्रू नहीं चाहिए, वो बिंदास यार चौड़ में घूमने वाला बंदा, वो देखता नहीं है, वो एक स्मॉल बोट में घूमता है भाई, लॉन्डो के साथ क्लैश करता है, अगर कोई उसका नींद खराब करे ना वो उसका तो जीना हराम होना पक्का है। उन मरीन्स पे दया आ रही है जो पकड़ने के लिए हॉकाई को गए हैं। भाई वॉलआउट सिस्टम बंद हुआ है, वो बंदा संन्यास नहीं लिया जो तुम लोग उसको पकड़ने के लिए गए हो। हॉकाई मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक आता, और भाई ये बंदा बहुत ज्यादा बैड है यार, इसने जोरो को तो इज्जत तक नहीं दिया था, तेरे लिए ये छोटा चाकू ही काफी है। एट द एंड यहाँ पर कुछ लोग आके मुझे कह सकते हैं कि अगर शैंक्स के पास उसका दूसरा हाथ होता तो वो हॉकाई को हरा चुका होता। ऐसा नहीं है मेरे भाई, शैंक्स का सिर्फ हाथ गया, उसका पावर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, पहले जितना था वो उतना ही आज भी स्ट्रांग है, ये बात कंफर्म है। तो इसी वजह से वो बहाना मारना बंद करो, अपना शैंक्स स्वॉर्ड्समैनशिप के मामले में हॉकाई से नीचे आता है, बट एज ए पावर मेरे हिसाब से शैंक्स ज्यादा स्ट्रांग है हॉकाई से, ऐसा मेरे को लगता है, कहीं पर ऑफिशियली कंफर्म नहीं, ये मेरा थ्योरी कहता है। खैर आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन ऑन करो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।